तो हेलो गाइस, तो आज के शुरू में हम बात करने वाले महिंद्रा स्कॉर्पियो के बारे में, महिंद्रा स्कॉर्पियो 2020 के बारे में। तो गाइस, महिंद्रा की स्कॉर्पियो गाड़ी इतनी पॉपुलर है कि वो पहले से इतनी बिकी आ रही, जबकि इसका नया मॉडल लॉन्च होने वाला है, फिर भी इतनी जगह बिकी रही है। आपने रील्स पर भी देखा होगा ये सब। तो गाइस, भारत में महिंद्रा की बेस्ट सेलिंग एसयूवी में से एक है महिंद्रा स्कॉर्पियो, जो कि इसके नेक्स्ट जनरेशन अपग्रेडेड मॉडल भी अगले साल लॉन्च होने वाला है। अगले साल में कोई ज़्यादा दिन रहने के फिर भी नहीं, महिंद्रा स्कॉर्पियो लॉन्च का लोगों को सब बेसब्री से इंतजार है। और इस बीच अच्छी खबर ये है कि 2022 में महिंद्रा स्कॉर्पियो की खूबियाँ एक एक करके सामने आ रही है। तो अपकमिंग स्कॉर्पियो में कैप्टन सीट, 360 डिग्री कैमरा, पैनारोमिक सनरूफ और ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल समेत कई शानदार फीचर्स भी आपको देखने को मिलेंगे इस वाली 2022 वाली महिंद्रा स्कॉर्पियो की। बाकी महिंद्रा स्कॉर्पियो किस किस की फेवरेट है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। गाइस, महिंद्रा स्कॉर्पियो बिग साइज एसयूवी सेगमेंट में किंग मानी जाती है। फिलहाल मार्केट में महिंद्रा स्कॉर्पियो के थर्ड फेसलिफ्ट मॉडल को भी बिक्री हो दिया गया है ये अगले साल अब इसका नया वर्जन लॉन्च होने वाला है, मतलब नया मॉडल लॉन्च होगा। यह तो एक बेहतर लुक देने के और बहुत सारे फीचर्स और कुछ डिज़ाइन भी इसमें ऐड किए हैं। और 2022 हाल ही के दिनों में बहुत सारी जगह महिंद्रा स्कॉर्पियो में इंस्पायर हुई है, जिसकी टेस्टिंग के दौरान देखी भी गई है और जिसके बारे में पता चला है कि स्कॉर्पियो के एक्सटीरियर में अपकमिंग स्कॉर्पियो का 6 सीटर वर्जन भी देखने को मिल सकता है। तो गाइस, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें 2 कैप्टन सीट देखने को मिल सकती है। इसमें एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम ADAS भी देखने को मिल जाए और इसके साथ 10 स्पीकर वाला ऑडियो सिस्टम, 9 इंच की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पुश बटन स्टार्ट, एलईडी लाइटिंग सिस्टम, इलेक्ट्रिक सनरूफ, 6 एयरबैग और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी के साथ मल्टीपल ड्राइविंग मोड्स भी देखने को मिल सकते हैं आपको इस गाड़ी में। तो और गाइस, इसके इंजन की और पावर की बात करें तो 2.2 लीटर 4 सिलेंडर M-Hawk टर्बो इंजन के साथ 2 लीटर 4 सिलेंडर टर्बो चार्जर पेट्रोल इंजन को भी देखने को मिलेगा, जो कि 155 bhp की पावर और 360 Nm टॉर्क के साथ ही 150 bhp की पावर और 300 Nm टॉर्क जनरेट कर सकता है। स्कॉर्पियो को 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि महिंद्रा ने हाल ही में नई XUV700 की लॉन्च की है, इसकी बम्पर बिक्री हो रही है और साथ ही साथ अब लोगों को सिर्फ महिंद्रा स्कॉर्पियो की भी सभी से इंतजार है कि वो कब लॉन्च होगी, वो क्या इसका इंतजार हमें भी है, पर जब लॉन्च होगी तब देखे लेंगे। गाइस, बस इतना ही था आज की शुरू में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब आप कर सकते हो और वो लाल वाली घंटी भी जरूर दबा ही देना।